हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज धाकड़, आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। देखो, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरी पिछली वीडियो में कि दीदी आप रूम को भी दिखाइए, आपने कैंपस को दिखाया और हॉस्टल को दिखाया, तो रूम भी दिखा दीजिएगा, है ना। बॉयज हॉस्टल का भी कमेंट्स था, तो मैंने आज आपको रूम इस वीडियो में दिखाया है। लेकिन यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सबसे पहले उनको देखिएगा, पहले कैंपस वाली, देन हॉस्टल वाली, तब इस पे आना, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि रूम की यहाँ पर पोजीशंस क्या है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट रूम टूर। ये है मेरा रूम, मेरा रूम नंबर इस पर लिखा नहीं है, बट 53 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूम में एंट्री करते हैं। आपने रूम का एंट्री देखा, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आपको अपनी टेबल दिखाऊंगी, देन कवर्ड दिखाऊंगी, देन मैं अपने वाला साइड वाला पोर्शन और अपने रूममेट वाला। ये जो है मेरी वाली साइड है, मेरी जो है ये खिड़की वाली साइड है। अभी तो सबसे पहले तुम खिड़की से ही स्टार्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत अमेजिंग लगेगा। देखो, ये जो मैंने पर्दा नहीं है, ये है ना, मेरे पास अनयूज बेड शीट रखी थी, जिसको मैंने इस तरीके से स्टेपलर से करके प्लग से लगा लिया था, इधर गठान लगा दिया, क्योंकि बहुत जुगाड़ू टाइप हूँ, बहुत मैं अननेसेसरी पैसे खर्च नहीं करती हूँ। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी खर्च करती हूँ, ठीक है। अभी मेरी चेयर नहीं है, क्योंकि मेरी चेयर पुराने वाले हॉस्टल में रखी हुई। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है, हमने हॉस्टल शिफ्ट किया था, ठीक है, और हम अभी 4th मंजिल पर रह रहे हैं, ठीक है। ये मेरा बेड है, ये ब्लैंक रजाई है, ठीक है, और ये सबसे पहले ये मेरा टेबल है, ठीक है, पेन बॉक्स जिसमें कभी रहती नहीं है पेन, ठीक है। ये हमारा जो है स्कल रखा हुआ है, ठीक है, जिसे मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे हेड पढ़ना था तो मैं इसे इशू करा के लाई थी लाइब्रेरी से, है ना। ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये भोया का माइक रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं आपके लिए जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इसी माइक से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऑडियो में काफ़ी साउंड आ रहा था। शायद यदि इसमें ना आए, कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखे आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करना, है ना। सबसे पहले हम, मेरा जो फेवरेट एरिया है इस टेबल पर, मैं उसमें चलती हूँ। देन ये देखो, सबसे पहले मेरा जो है फेवरेट एरिया, ये मेरी बुक्स का कलेक्शन है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन टाइम पे सोच रखा था, मुझे कॉलेज पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी है, तो मैंने धीरे धीरे जो है स्टोर कर ली है। ये वाली देखो, नीचे मेरी डायरी रखी हुई है, देन ये भागवत गीता रखी हुई है ना, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। देन ये जो है ईट दैट फ्रॉग, है ना, ये जो बुक है प्रोकास्टिनेशन के लिए है, ब्रायन ट्रेसी की, है ना, और एटॉमिक हैबिट्स, ये है आपके, और ये सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ें मैंने ले रखी थी, मेमोरी, हाउ टू ट्रेंड एंड यूज इट, ये टाइम मैनेजमेंट, एक टारगेट्स वाली बुक और थी मेरे पास में, जो मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दी, क्योंकि उसे काफ़ी पसंद आई थी वो, ठीक है। ये मेरी बुक्स रखी हुई हैं फर्स्ट ईयर की, कुछ कुछ मैं कवर्ड्स के अंदर हैं जो मैं तुमको दिखाऊँगी, है ना। ये इसका जो है कटा हुआ है, ये यहाँ से, है ना। और ये देखो, ये हमारा बायोकेमिस्ट्री रखा हुआ है, सत्यनारायण का, जो शैमू फिजिक्स का, वो फिजियोलॉजी का रखा हुआ है, जो फिजियोलॉजी की एक जैन है, जे जो है एम्ब्रोलॉजी है, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी जो है विश्राम सिंह का, ठीक है। ये जो है, ये देख रहे हो आप, मैंने ना प्री प्लैडर फर्स्ट, अभी फर्स्ट ईयर का ले रखा था, तो वो उसके नोट्स भी हैं मेरे पास में। देन ये हेड नेक है, ठीक है, और ये मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है, जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी थोड़ा चलने में इसका प्रॉब्लम होता है, बैटरी भी थोड़ा सा डाउन है, मुझे इसे रिपेयर करवाना है, है ना। और ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, है ना, और ये एक्सटेंशन है, इसका चार्जर है, और ये आप देख रहे हो, ये सच कहूँ मैं अभी लेके आई, मुझे बहुत क्यूट लगा था, क्योंकि ना मेरे इधर देखो कुछ भी नहीं है, है ना, सिर्फ तुम्हें ये रोज़ दिख रहा होगा, ये रोज़ मुझे किसी ने दिया नहीं है, है ना। ये ना हमारे नीचे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो मैंने एक दिन ऐसे ही, मुझे अच्छा लग रहा, तोड़ लाई, देन मैंने इसको यहाँ पे स्टेपलर कर दिया, तो ये सूख के ऐसा हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। देन ये जो है, ये मैंने, ये डोरियाँ मेरी इस टेबल पर सच कहूँ बिखरी रहती थी, लेकिन मैंने इनको जो है यहाँ पर टांग दिया, तो यूज़ करती हूँ तो निकाल लेती हूँ, देन यहाँ रख देती हूँ, ताकि बच जाती हैं बेचारी, नहीं तो टूट जाती, ठीक है। और ये हमारा बेड हो गया इस तरीके से, है ना। ये ड्रॉज हैं, देखो हमारी टेबल में 3 ड्रॉज हैं, जिनमें जो है सबसे पहले मैं पहले ड्रॉ में देखती हूँ क्या है,
है ना। ये देखो सबसे पहले मेरे ये डिस्पोजल मास्क पड़े हुए हैं, जी पेन पैकेट है, हाँ जी NH पेन है यार, जो भी फर्स्ट ईयर में आई ज़रूर लेके आना, क्योंकि हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स बनाने के लिए काफ़ी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। देन सेकंड ड्रॉ में साबुन पड़े हुए हैं, ये मेहंदी का पैकेट है, क्योंकि यार मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, सच कहूँ बहुत वाइट हो गए हैं, तो मैं अभी ला के रख लिया है बट यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ इन सब चीज़ों में। ये रोज़ वाटर है, ऐसे ही लेके आई थी। देन नीचे वाला इसमें मेरा खाने पीने का बिस्किट वगैरह, मुझे काफ़ी मीठा पसंद नहीं है, मुझे नमकीन पसंद है, तो ऐसे ही बिस्किट ला के रख रखे हैं। तो आपने मेरा वाला साइड देख लिया, ठीक है ना। और अभी हमारा बचा है वो कवर्ड बचा हुआ है, मेरी रूममेट वाला साइड बचा हुआ है और बालकनी बची है, तो हम उसे भी देखते हैं अभी। तो देखो अभी मैं जो है आपको अपना कवर्ड दिखा रही हूँ रूम का, ये मेरा रूममेट का कवर्ड है, ये वाला जो है मेरा है, तो मैं इसे देखो यार देखने से पहले कुछ भी मत अदरवाइज मत लेना, क्योंकि सब ऐसे ही रखा हुआ है फैला हुआ, ठीक है। ये देखो सबसे पहले इसमें जो है कितने चैम्बर्स हैं, ये कि बड़ा वाला है, ठीक है, और ये दो छोटे छोटे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं ऊपर वाले में बताती, ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि सारे कपड़े मैंने यार ट्रॉली बैग में भर के रखे हुए, मैं ओपन नहीं रखती हूँ। देन ये मेरे लैपटॉप का बैग रखा हुआ है, पर्स रखे हुए हैं, और हाँ ये जो है देखो ये कुछ बुक्स मेरी यहाँ रखी हुई हैं फर्स्ट ईयर की, और कुछ मैंने टेबल ये पर्स वगैरह पड़े हुए हैं, है ना। और इसमें देखो सबसे पहले ये मेरा जो है डब्बा रखा हुआ है वॉच का, ये मैंने वॉच लिया था सोनाटा का। देन इसमें कहूँ इसमें दिखाऊँ, इसमें ना बहुत सारे चिल्लर हैं जो मैंने बहुत टाइम से इकट्ठे हो रहे हैं मेरे पास में, है ना। और इसमें ऐसे ही इयर रिंग्स वगैरह सब मेरे स्टोर हैं, अभी लेके आई थी मैं डब्बा। और ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखो जो हुई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो इस बार 2021 में मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जो ये ज़रूर लेके जाना है, ये हमारा डिसेक्शन किट है। इसके अंदर क्या होता है वो मैं इस पे वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ये इसका डब्बा है। देन ये हमारे ग्लव्स हैं जो हमें DH में हमेशा यूज़ होते हैं डिसेक्शन हॉल में। ये देखो हमने जो है ये हमारा स्टेथो है जो मैंने डॉक्टर मोरपेन का लिया हुआ था, ठीक है, है ना। तो हम लोग कभी कभी प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। देन आप देख रहे हो नीचे वाले में, ये देखो अभी तक मैंने नीट की सारी चीज़ें रख रखी हैं, मेरे नोट्स रखे हुए हैं, है ना। और क्योंकि मुझे पढ़ाना है ऐसा सोचती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता यार। और ये देखो रूम हीटर रखा हुआ है, और इधर इसमें बर्तन मेरे जो हैं भरे हुए हैं, क्योंकि मैं कोटा में रहती थी तो तब का सारा सामान मेरे पास ही है, मैं घर नहीं लेके आई, ठीक है। तो अब देखो आपको अभी मैं दिखाती हूँ अपनी रूममेट वाला साइड, मेरी साइड वाले से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वो काफ़ी डेकोरेटिव है, मैं इतनी नहीं हूँ यार, है ना। देखो ये उसका जो है, मैं आपको उसकी पेंटिंग्स दिखाती हूँ, ये जो है उसने पेंट किया हुआ है, ये देखो ये जो है उसने पेंट किया, बायो केमिस्ट्री का चार्ट लगा हुआ है, ये देखो काफ़ी क्यूट लगती है मुझे उसकी पेंटिंग्स, ये उसकी गिफ्ट्स हैं, और ये एक मनी प्लांट है, ये भगवान जी हैं, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं बस ऐसे ही कर लेती हूँ, है ना। देखो ये हमारा चेयर्स है, ऐसी ही मेरे पास है बट मेरी दूसरी उसमें रखी है हॉस्टल में, मैं लेके नहीं आई क्योंकि मैं आपके वीडियो वगैरह कुछ भी काम करती हूँ तो मैं उधर ही करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। देन अब आपको दिखाती हूँ मैं, ये जो है ये टेबल है, ये हमारा आईना छोटा सा लगा हुआ है, हम लोग दोनों ही ऐसे ही इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। ये हमारी मतलब बेस्टेज ऑफ टेबल थी तो हम इस पर डेली यूज़ के सामान रख लेते हैं, अभी मेरा ही रखा हुआ है, उसका नहीं रखा। ये देखो बादाम रखे हुए हैं, जो रखे हैं वन ईयर हो गए ऑल ओवर, लेकिन मैंने खाए नहीं हैं, पता नहीं ऐसे ही। ये पानी बोतल शैम्पू वगैरह हमारा, ये टू हैंगर्स हैं लेकिन इसके में है नहीं इधर की साइड में, क्योंकि ये खुल गया है, पता नहीं अभी बोल दिया है लगवाएंगे वो। टू हैं तो टू फैंस लगे हुए हैं, टू ट्यूब लाइट्स हैं, और ये देखो टू बेड्स हैं, टू टेबल्स, देन टू चेयर्स, ओके। देन ये जो है मेरा शूज़ कलेक्शन है, थोड़ा थोड़ा कर लिया यहीं आगे, ये रनिंग वाले हैं। देन ये मेरे कॉलेज के हैं सैंडल्स और डेली यूज़ का ये बकेट वगैरह रखा हुआ है। ये देखो इधर टेबल के नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, और ये जो है कैंपर है, ये मैंने कोटा में लिए थे, जो यहीं आ गया है सारा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना जो है बालकनी, ठीक है। बालकनी में कैसे क्या है, तो सबसे पहले
ये है हमारा बालकनी, ये हमारा बालकनी व्यू जो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये देखो इधर हमारे जो है कपड़े डले हुए हैं सूखने के लिए, एप्रन वगैरह धुले थे। ये जो है अभी देखो ट्रेन आएगा तो देख लेना, है ना। ये था हमारा रूम, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना ना भूलेगा। और एक बात, आपने अभी तक मेरी आप कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सबसे पहले जाके उनको देखिए। और इस वीडियो को देखने से पहले आप GMCD कैंपस टूर एंड हॉस्टल टूर को ज़रूर देखिए, ताकि आप अच्छे से ये देख पाओ कि रूम की लोकेशंस, आप घर बैठे GMCD कैंपस एंड गर्ल्स हॉस्टल एंड GMCD कैंपस एंड गर्ल्स हॉस्टल रूम और बॉयज़ हॉस्टल को ईजिली देख सकते हो, पता लगा सकते हो क्या आखिर किस तरीके से दिखते हैं। आने वाली वीडियो वो है बॉयज़ हॉस्टल टूर के ऊपर, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। ओके,